हेलो दोस्तों, आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बहुत सारे अध्यापक लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है NSP का, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर। आपको तीन चीज़ें जो है वो करनी अनिवार्य है आजकल, क्योंकि कुछ समय के पश्चात पोर्टल जो है पूरी तरह से फुली एक्टिवेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको तीन बातें करना ज़रूरी है। एक, सबसे KYC के ऊपर आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। शायद बहुतों ने कर लिया है, लेकिन जिनको अभी नया नया ये चार्ज मिला है स्कॉलरशिप का, उनके लिए ज़रूरी है जानना कि KYC फॉर्म कैसे जो है वो भरा जाता है। दूसरा, ये वो हैं जिनका नया नया अभी स्कूल बना है और अभी तक उन्होंने KYC के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। दूसरा जो है बात करेंगे हम कि बहुत सारे लोगों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हो चुका है, और दूसरे जो है लोगों को चार्ज मिला है, तो पहले वाले ऑफिसर नोडल ऑफिसर का नाम जो है कैसे बदलना है, या फिर हेड बदल गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेड का नाम बदलना बड़ा मुश्किल है, तो उनका नाम कैसे बदला जाए, ये जो है तीन एक्वायरीज में आपको उनका सोल्यूशन जो है मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लें हाउ टू रजिस्टर ऑन KYC ऑन NSP, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर कैसे जो है KYC फॉर्म भरा जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि जब भी आप NSP पोर्टल करके या NSP करके जो है सर्च करेंगे, तो बहुत सारे जो है वो पोर्टल खोलेंगे, लेकिन NSP लॉग इन भी होगा, NSP जो है वो होम भी होगा, तो आपने होम के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा, ठीक है, याद रखना है, इस पेज को खोलेंगे आप। अब आपने जो है क्या करना है, KYC फॉर्म भरना है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए कहा गया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्विसेज में जाना है। जैसे ही सर्विस को क्लिक करेंगे, वैसे ही सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे आइकन जो आएंगे, उनमें से पहले आइकन को आपको जो है वो क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूट KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जैसे इसको दबाएंगे वैसे ही आपका जो है वो ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। ये तीन नंबर से जो है आपका खोला जा सकता है, आगे का प्रोसेस चल सकता है। एसिस है, UDISE कोड है, NCVT कोड है, तो ज़्यादातर अधिकतर स्कूलों को UDISE कोड जो है दिए गए हैं, तो आप UDISE कोड यहाँ पर भरेंगे। फिर आपने बाद जो है कैप्चा जो है, कैप्चा जो है देखने, ये ध्यान से लेटर जो होते हैं ये स्मॉल भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं। अगर कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स ही लिखेंगे, सी कैपिटल, स्मॉल आर, एस और यू, इस तरह से आप, ये भी इसका एग्जांपल है कि इस जगह के ऊपर क्या डालना है आपने। जैसे इन्होंने जो NCVT कोड से भरा हुआ, आपने जो है UDISE कोड भरना है, UDISE अलग तरह से है, और उसको भरने के बाद आपने जो है वो फिर कैप्चा जो भरना है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है यदि आप इसको सही नहीं भरेंगे। हो सकता है कई बार ये पढ़ने में भी दिक्कत आ जाती है कि ये जे है क्यू है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और नया जो है आपका कैप्चा आएगा। तो ये कैप्चा एज इट इज़ आपने जो भरना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, स्मॉल लेटर में तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में। भरने के बाद आपने सबमिट करना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अगला पेज ये खुलेगा, जिसमें अधिकतर जो इंस्टीट्यूट है वो लॉगिन हो चुके हैं, और इसलिए उनका आ जाएगा कि आप ऑलरेडी जो NSP के ऊपर जो फंक्शन है आपका इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यदि आप जो है नया स्कूल है, तो फिर आपने कैसे करना है, तो आपने कंटिन्यू में जो है वो रजिस्टर्ड करना है लगातार, और अपने आप करने के बाद कंटिन्यू जो विद द आधार वेरिफिकेशन आपने चलना है, और जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके आधार वेरिफिकेशन जो है वो सामने नज़र आएगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको मेरी ये चीज़ नहीं समझ आए, तो आपने जो पहले वाला पेज है वहाँ पर भी, जब ये पहला पेज खुला था तो यहाँ पर लिखा टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इसको क्लिक करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ भी पढ़ के जो है उसको कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो अब तक हम पहुँचे हैं इस तरह से इस फॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये किसी इंस्टीट्यूशन की दो तीन बार जो है रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी है अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो इस प्रकार से ये दे रहा है, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आता है कि अगला पेज खुल चुका है, अब आप नोडल ऑफिसर जो है कि जो आधार वेरिफिकेशन उसको करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेना है। जो आप जो पुराने पुराने नहीं, आपका नया रजिस्ट्रेशन हो रही है इंस्टीट्यूशन के, नया इंस्टीट्यूशन बना है, तो यहाँ पर आपने अपना आधार जो है वो डालना है, जो नोडल ऑफिसर बने हैं इसी स्कॉलरशिप के लिए जिनके पास ये चार्ज गया है, तो आप अपना नाम लिखेंगे, क्या वही नाम जो आधार नंबर के ऊपर आपका नाम है वही स्पेलिंग डालनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ भी उसी के आधार पर, मेल फीमेल, और फिर मोबाइल नंबर भी, जिस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर्ड है आपका
आधार वही इंफॉर्मेशन आपने डालनी है एग्जैक्टली, और फिर आपने सबमिट इसको करना है, और सबमिट करने के पश्चात फिर आपका जो है वो अगला जो पेज रहेगा वो आपने तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कि आपने हेड का भी करना है, आपका अपना हो गया। अब जो आपके स्कूल के हेड हैं उनका आधार वेरिफिकेशन डालनी है, फिर उनका नाम आधार नंबर के जो है उसके ऊपर दिया गया वही, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मेल और उनका नंबर जिससे वो आधार नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर डालना है, ये एज इट इज वैसे ही आधार नंबर से मेल खाती हुई, और इस प्रकार से सबमिट कर दिया तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके अलावा चौथा जो आता है वो आता है इंस्टीट्यूट डिटेल के बारे में, और ये अधिकतर जो नूडल जो ऑफिसर है उनकी आइडेंटिटी प्रूफ जो है इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट जो आपको करना है। आप जो है जिनको नूडल ऑफिसर बनाया गया है वो अपना आधार को या तो स्कैन कर लेंगे या मोबाइल से फोटो ले लेंगे और उसको जो है अपनी फाइल में कहीं पर भी रखेंगे। अब याद रखना है कि ये जो आपने चाहे क्लिक किया है चाहे आपने स्कैन किया है ये किस में होनी चाहिए, ये JPEG में होनी चाहिए या PDF के तौर पर ये होनी चाहिए तभी उसको उठाएगा, और इसका साइज़ कितना होना चाहिए 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। अगर इसका साइज़ नहीं होगा इनके मुताबिक तो तभी भी ये नहीं उठाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, अपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि कौन सी फाइल में आपका ये चीज़ जो है तो उसी में जाना है, और उसको में जाने के बाद आपने उस आधार को क्लिक करेंगे, और जैसे ही करेंगे नीचे आएगा ओपन, तो ओपन को करना, और वैसे ही ये जो आपका उस आधार के जो फोटो थी वो किस नंबर से रजिस्टर्ड थी वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है ये PDF फाइल में थी तो ये नंबर आ गया, जब इस तरह से आ जाएगा तो इसका मतलब आपका सही साइज था और उसने उसको उठा लिया है, क्लियर है, नहीं तो फिर रेड में बताता रहेगा कि आपका साइज नहीं है या PDF फाइल नहीं है, JPEG नहीं है, ऐसा वो आपको एरर देगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना, इंस्टीट्यूट नेम, क्या नाम है आपके इंस्टीट्यूट का वो नाम आपने डालना है, इंस्टीट्यूट एड्रेस आपने डालना है वहाँ का एड्रेस, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, ये बोर्ड कौन सा है जिससे एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी, ठीक है वो लिखना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। फिर इंस्टीट्यूट नेचर बताना है कि प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है वो आपने करना है, और फिर उस इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चे हैं वो आपने डालना, तो इस प्रकार की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी, है ना। फिर इसके बाद जो है वो आपका अंततः जो चौथे स्टेप में क्या होगा कि वो जब सबमिट आप करेंगे तो ऑलरेडी आपको सबमिट करने के बाद वो बता देगा कि सक्सेसफुली आप जो है सबमिट हो चुके हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपने ये रखना कि बहुत कई बार हम करते हैं लगे रहते हैं, तो याद रखना वही आपका जो पहला फॉर्म जो आपने सबमिट किया है अगर सही है तो वही आपका जो है अप्रूवल माना जाएगा और बाकी जो है रिजेक्ट माने जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ ये कहता है कि KYC रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं उसको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसको मॉडिफाई करना मुश्किल काम है, ये किसी हालत में नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से भरना है, और भरने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह सा जो है वो मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिया है, और आपका नंबर ये ID आपको बता दिया जाएगा और मोबाइल के ऊपर आपका पासवर्ड भी मैंशन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये होगा आपका KYC रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आता है दूसरा जो प्रश्न था वो था कि हाउ टू चेंज द नेम ऑफ द नूडल ऑफिसर। पहला नूडल ऑफिसर चला गया है, आपको चार्ज मिला है, तो आपने अपना नाम कैसे चेंज करना है, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन लॉगिन में आपने जाना है। इंस्टीट्यूशन लॉगिन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपका ये पेज जो खुलेगा और इसमें ऑलरेडी ही इंस्टीट्यूशन नूडल ऑफिसर लिखा होगा, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक नूडल ऑफिसर और एक आएगी हेड की, तो आपने नूडल ऑफिसर की लेनी है, हेड की नहीं लेनी है, नूडल ऑफिसर किया। दूसरा आपने जब करेंगे तो एकेडमिक सेशन लिखेंगे 2021 चूज करेंगे यहाँ पर, और 21 हो गया, यहाँ आपने नंबर डालना है जो आपकी ID है, आपने ये पहले वाला जो नूडल ऑफिसर है उससे उस स्कूल की ID भी ले लेनी है और पासवर्ड भी ले लेना है, तो ये दोनों चीज़ें आपने भरनी है सही। फिर आपने कैप्चा भरना है, और कैप्चा भरने के बाद आपने लॉगिन करना है। किसके लिए कर रहे हैं, हम नूडल ऑफिसर का नाम बदलना है, तो अभी तक जो हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो उस नूडल ऑफिसर के आधार पर जो हमने नंबर लिया था और जो उसने यूजर नंबर था वो आपने डाला है, और इस प्रकार से इसको कैप्चा दबा के लॉगिन किया। करने के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपने पढ़ लेना है, मेरे पास क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी से आपको और चीज़ें बतानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर जाने पर जो है आपको इस तरह के 3 जो आइकन आएंगे, सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल्स, ऐड अपडेट डिटेल्स और चेंज पासवर्ड। देखिए अगर आपने जो पासवर्ड लिया है
आईडी तो वही चलेगी, लेकिन आप पासवर्ड जो है वो बदल सकते हैं। यदि आपने पासवर्ड बदलना है अपने हिसाब से, अपना पासवर्ड लेना है, तो आपने यहाँ पर जाके अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं नाम बदलना है, पहले वाला चला गया है उसका नाम बदलना है। तो अपडेट प्रोफाइल आप करेंगे, और अपडेट प्रोफाइल करने पर आपका इस तरह का OTP जाएगा, लेकिन ये OTP आपके नंबर पर नहीं आने वाला, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। ये पहले जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी नोडल ऑफिसर, उनके नंबर पर जाएगा, और आपने उनको फोन करना है और पूछना है क्या OTP, और OTP आपने जो भर देना है, जैसे ये OTP आया तो मैंने भर दिया और उसको कंफर्म किया, नहीं आए तो रिसेंड OTP करना, वो फिर से आएगा, और जैसे आएगा आपने यहाँ पर भरना है, कन्फर्म करेंगे, और कन्फर्म OTP करने के बाद जो है क्या अगला पेज खुल जाएगा, जिस जो डिटेल्स इस तरह की रहेगी। अब ये जो डिटेल्स है पहले ही रजिस्टर्ड है आपके KYC के ऊपर, तो इसलिए ये पहले से ही डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगी। आपने कहाँ बदलना है, सिर्फ आपने जो नोडल ऑफिसर है उसकी जो यहाँ डिटेल है उसको आपने बदलना है, है ना। अब आप आ गए हैं तो आपने अब अपने आधार नंबर का जो है वो लिखना है, उस पर जो नाम है वो लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो उसके ऊपर है आधार के ऊपर वही लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फोन नंबर आप दे सकते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस को बिल्कुल करेक्ट कीजिए जो चलती हो आपकी, और आपके डेजिग्नेशन क्या है ये आपने नया डालना है, अपने इन्फॉर्मेशन डालनी, इसी को हम बदल रहे हैं सिर्फ। बाकी आपका हेड वही है, हेड नहीं बदला जाएगा। देखो नोडल ऑफिसर के पेज के ऊपर हेड कभी नहीं बदलता है, तो ये वैसे ही रहेगी। और फिर आपने इसको फाइनल सबमिट किया, और फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके ऊपर अब ये OTP आएगा नया, क्योंकि आपने बदल दिया है, अपना नाम लिखा है, अपना नंबर भी दिया है, तो आपके अपने नंबर पर ये OTP आएगा। और जैसे ही आप उसको OTP करेंगे, आप कन्फर्म करेंगे OTP, तो आपका एड आ जाएगा कि सक्सेसफुली आप जो है वो नोडल ऑफिसर हो गए, आपका बदला जा चुका है, तो अपडेट हो गए हैं। चलिए अब सीख लेते हैं कि हाउ टू चेंज द नेम ऑफ योर हेड्स। अगर प्रिंसिपल आपके रिटायर हो गए हैं या दूसरे स्टेशन पे चले गए हैं, नए प्रिंसिपल आ गए हैं, तो उस स्थिति में उनका नाम कैसे जो बदला जाए ये सीख लेते हैं। चलिए वैसे ही आपने पहले कहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट लॉगिन पे ऊपर जाएंगे, और जैसे ही करेंगे वही पेज खुलेगा जो नोडल ऑफिसर का था। यहाँ पे पहले हमने नोडल ऑफिसर का नाम किया था, अब हमने क्या करना है, इंस्टीट्यूट हेड के ऊपर लेके जाना है, और इंस्टीट्यूट हेड करने के बाद ठीक उसी तरह के फिर से हमने वही सेशन 2021-22 डालना है। यहाँ पे जो आईडी आपकी है वो आपने डालनी है, आपके स्कूल की आईडी क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, ठीक वैसे ही जैसे नोडल ऑफिसर में आपने किया था वैसे ही आपने यहाँ पर अगर आपने नया कोड जो है जनरेट किया है, यूज़र आईडी डाला है, तो उसको डालना है, और इस तरह से कैप्चे को सही आपने दबाना है, इस पर लिखना है, उसके बाद आपने लॉगिन को दबाना है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो वैसे ही आपका ये पेज खुलेगा, और क्योंकि हम नाम बदल रहे हैं हेड का, तो आपको कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और प्रोफाइल को अपडेट करना है, और जैसे ही प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो आपका जो है वो OTP चला जाएगा। और OTP कहाँ जाएगा, जो पुराने हेड जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं उनके मोबाइल नंबर पर जो है वो OTP आएगा। तो आपने उनको फ़ोन करना है, OTP मांगना है, वो आपने भरना है, और भरने के बाद आपने उसको कंफर्म करना है, और कंफर्म करते ही ये डिटेल सामने आएगी जिसमें लिखा होगा अपडेट इंस्टीट्यूट हेड डिटेल्स फ्रॉम। तो जो पहले वाले जो हेड है यहाँ पर उन्हीं का ही नाम आएगा, उन्हीं का ही डेट ऑफ बर्थ आएगी, उन्हीं का ही आधार नंबर आएगा, और उन्हीं का ही मोबाइल नंबर आएगा। आपने क्या करना है, उसको अपडेट करना है, उसको बदलना है। तो जो आधार नंबर पहले वाला वो बदल देना है, अब नए जो है उनका नाम लिखना है, और इस प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन आपने नए जो प्रिंसिपल आए हैं या हेड आए हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन, आधार की इन्फॉर्मेशन सारी के सारी भरनी है। और अपडेट जैसे ही आप करेंगे वैसे ही दूसरा OTP जो है जाएगा। भाई ये जो OTP जाएगा ये जाएगा जो नए प्रिंसिपल बने हैं जिनका अभी अपडेट किया है, मोबाइल नंबर डाला है, उसी मोबाइल नंबर पर जो है वो OTP आएगा। याद रखना, उनको अपडेट करने से पहले उनको ज़रूर बताएं कि जो उनका जो नंबर जो चल रहा है क्या उसके ऊपर मैसेज आते हैं, अगर नहीं आते तो ज़रूर उसको जो है वैलिडिटी बढ़ा लीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन वो चलना चाहिए, तो उसी के ऊपर मैसेज आएगा, तो OTP नंबर आएगा, वो आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। नए प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर पर OTP डालने के ऊपर आप इसको कन्फर्म कर दीजिए, और कन्फर्म करने के बाद फिर ये खुल जाएगा कि राजेंद्र जी जो नए प्रिंसिपल आए हैं वो जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए, उनको अपडेट कर लिया गया है, ठीक है, उनका आधार के साथ क्लियर हो गया। मुझे जितनी कर जानकारी थी मैंने कोशिश करी आपको बताने की, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी से फ़ायदा होगा। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।